Redmi Note 11 डिवाइस के लिए ऑक्सीजन OS 14 का जो लेटेस्ट पोर्ट है अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो में इस अपडेट का जो फुल रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, प्लस किस तरह से इस अपडेट को Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करना हो इसके बात करने वाले है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक देखना एंड लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं अबाउट फोन के बारे में। तो ऑक्सीजन OS 14.0.1 का लेटेस्ट पोर्ट बिल्ड है Redmi Note 11, Redmi Note 11 NFC डिवाइस के लिए। Android 14 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एंड यहाँ पर 5th अप्रैल 2024 का जो है सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस अपडेट का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस अपडेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले जितने भी ऑक्सीजन OS 14 का जो फीचर्स है देखने को मिल जाएगा, तो कुछ इस तरह से UI देखने को मिलता है, काफी सही है। यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो डॉक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, तो यहाँ पर फाइल डॉक का जो फीचर्स है यहाँ पर काम कर जाएगा। एंड यहाँ से रिसेंट फाइल को चेक कर सकते हो, यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। क्विक नोट का जो फीचर से यहाँ पर काम करते हैं, जो कि काफ़ी सही है। तो यहाँ पर जो फाइल डॉक का जो फीचर से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, इसे यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो स्क्रॉलिंग एनिमेशन है, इवन क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ भी जो एनिमेशन है काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा लैग हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बाकी एनिमेशन भी देख सकते हो, काफ़ी सही है। तो यहाँ पर गूगल डायलर देखने को मिल जाएगा, प्ले स्टोर भी अवेलेबल है, अलग से आपको इंस्टॉल नहीं करना होगा। प्लस यहाँ पर फोटोज, यहाँ पर वेदर, कैलकुलेटर, इस तरह से UI देखने को मिलेगा। तो सभी जो है यहाँ पर ऑक्सीजन OS का जो एप्लीकेशन है देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी सही है। एंड ये जो अपडेट है OnePlus 11 5G से पोर्ट किया गया है Redmi Note 11 डिवाइस के लिए। यहाँ पर जो फास्ट चार्जिंग है काम कर जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर से ऐड किया गया है काम कर रहा है, प्लस जो हेडफोन जैक है यहाँ पर काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर कॉलिंग, नोटिफिकेशन, प्लस कीबोर्ड के साथ भी जो है हैप्टिक है काम कर रहा है। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है काफ़ी सही है। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर पोर्ट अपडेट होने के बाद भी काफ़ी सही जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पर कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को भी रन किया था, तो यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 6-1 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर। एंड Geekbench 5.5.1 के साथ सिंगल कोर के साथ 334, मल्टी कोर के साथ 1333 का स्कोर है। यहाँ पर Geekbench 6.3.0 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 376 एंड मल्टी कोर के साथ जो है 1173 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर पोर्ट अपडेट होने के बाद भी परफॉर्मेंस सबको बढ़िया देखने को मिल जाएगा, कोई भी इशू को हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। एंड कुछ इस तरह से यहाँ पर ओवरऑल UI देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्क्रॉलिंग एनिमेशन भी काफ़ी सही देखने को मिलता है। सभी जो एप्लीकेशन है उसे लेटेस्ट अपडेट जो है किया गया है, जो कि काफ़ी सही है। एंड बाय द वे यहाँ पर जो है MIUI कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर HDR AI कैमरा, डायनेमिक शॉट्स का ऑप्शन है, सुपर मैक्रो मोड को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है फोटो के साथ अल्ट्रावाइड लेंस भी काम कर जाएगा, 10x तक जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर 64 मेगापिक्सल, ब्लॉक, स्लो मोशन, ये सभी फीचर्स को ऐड किया गया है। नाइट मोड के साथ जो है वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर फुल HD 30fps में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑडियो जूम, टेलीप्रॉम्प्टर, ये सभी फीचर्स को ऐड किया गया है। प्रो कैमरा का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर प्रो मोड को भी यूज़ कर सकते हो कैमरा के साथ। एंड यहाँ पर कैमरा टू API के साथ जो है लेवल 3 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, गूगल कैमरा काम कर जाएगा इस अपडेट के साथ। बाकी यहाँ पर Gemini AI भी काम कर रहा है, कोई भी इशू को हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पर
पोर्ट अपडेट होने के बाद भी जो बैटरी बैकअप है सच में काफी सही है। लगभग जो है 6.5 आवर के आसपास जो है यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। एंड बैटरी ड्रेन भी हमने ज्यादा नोटिस नहीं किया है, ओवरनाइट लगभग 3% के आसपास जो है बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा, जो कि काफी सही है। यहाँ से बैटरी हेल्थ को जो है आप चेक कर सकते हो। बट स्मार्ट चार्जिंग का जो फीचर से ऐड किया गया है एंड ये सभी फीचर्स भी यहाँ पर अवेलेबल, इसे भी चेकआउट करके देख सकते हो, तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है यहाँ पर काम कर जाएगा, डिवाइस जो है काफ़ी फास्ट यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। बट यहाँ पर जो फेस अनलॉक है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इस अपडेट के साथ फेस अनलॉक काम नहीं कर रहा है, ऐप लॉक काम नहीं कर रहा है, रेडमी नोट 11 एनएफसी के साथ जो है एनएफसी काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा ऑलमोस्ट सभी जो फीचर्स से यहाँ पर काम कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन के साथ, होम स्क्रीन के साथ कुछ इस तरह से सभी ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ऐप ड्रॉयर मोड भी देखने को मिल जाएगा, प्लस होम स्क्रीन का जो लेआउट है उसे कस्टमाइज कर सकते हो। एंड डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन है, राइज टू वेकअप का ऑप्शन है, डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, इवन अलग अलग जो क्लॉक स्टाइल है उसे भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो। एंड लॉक स्क्रीन शॉर्टकट को भी कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस, लो ब्राइटनेस के साथ भी कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर अडेप्टिव स्लिप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। साउंड एंड वाइब्रेशन के साथ लाइव कैप्शन, पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का फीचर से, डॉल्बी एटमोस का जो फीचर से यहाँ पर अवेलेबल है। साउंड एंड नोटिफिकेशन के साथ ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया है। बाकी यहाँ पर स्पेशल फीचर के साथ जो स्प्लिट व्यू, फ्लेक्सिबल विंडो, स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर सिंपल मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड जो स्मार्ट साइड बार का जो फीचर से काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। बाकी यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन के ऊपर गेस्चर्स का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर गेस्चर्स एंड मोशन के साथ भी कुछ फीचर्स को ऐड किया गया है। पर स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स, स्वाइप डाउन गेस्चर्स का जो फीचर्स है अवेलेबल है। यहाँ पर एआर गेस्चर्स का जो फीचर्स है ऐड किया गया है, आप जो है कॉल का आंसर कर सकते हो और म्यूट भी कर सकते हो। प्लस यहाँ पर वॉल्यूम बटन के साथ टॉर्च को आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हो, राइज टू वेकअप का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर और ढेर सारी फीचर्स को ऐड किया गया है। इसमें से सभी जो ऑप्शन है शायद काम ना करे तो आप जो है डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं जो ऑक्सीजन ओएस 14 का जो पोर्ट अपडेट है, किस तरह से रेडमी नोट 11 डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस अपडेट का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर इस अपडेट को डाउनलोड करना होगा। एंड आपके डिवाइस के ऊपर जो है कस्टम रिकवरी जो है इंस्टॉल होना चाहिए इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए। एंड मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा बिफोर फ्लैशिंग एनी नया अपडेट। तो कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को लॉन्ग प्रेस करना होगा फोन को स्विच ऑफ करने के बाद। तो जल्दी से कस्टम रिकवरी को बूट करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने जो है MIUI रिकवरी को इंस्टॉल किया था, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस को इंस्टॉल करने के बाद आपको अलग से जो है कस्टम रिकवरी को फ्लैश करना होगा, तो ये चीज़ ध्यान में देना होगा। तो आप सिंपली रेडमी नोट 11 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन वीडियो को चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।